सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो चवाकू चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वैसे तो आईपैड और आईफोन में बैटरी ड्रेनिंग इशू समस्या आम बात है, लेकिन जब से ये iOS 16.4.1 रिलीज हुआ है और लोगों ने इसको अपडेट कर लिया है, आईपैड और आईफोन के जो सॉफ्टवेयर है दोनों वो बैटरी ज्यादा ड्रेन करने लगी है। बहुत लोगों के साथ तरह तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो 15 टिप्स बताने वाला हूं वो आपकी बैटरी ड्रेनिंग को लगभग समाप्त कर देगी। ये 15 टिप्स जो है बहुत जल्दी ही इन शॉर्ट में बताने वाला हूं, वीडियो पॉज कर करके आप अप्लाई करते जाइएगा। ये आपके आईफोन एज वेल एज आपके आईपैड प्रो हो या कोई भी जनरेशन हो, सब में ये लागू होगा जिस पर iOS 16.4.1 रन कर रहा है। पहले नंबर का जो टिप्स है वो आपको जो बैकग्राउंड में जितने भी एप्स रन करते रहते हैं इन सबको इस तरह से ऐसे किल नहीं करना है। दोस्तों अब नंबर दो की बात करते हैं, तो आपको सेटिंग में जाने के बाद मैं बार बार इसको बताया हूं, जो लोकेशन सर्विसेज है उसको जो ऑन रहते हैं इसको आप ऑफ कर दीजिए, और नहीं तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। तो मैनुअली इसको सेटिंग कर लें, यहाँ से जितने भी सारे ऐप्स हैं इसको वाइल यूजिंग पर रख दें, और साथ ही साथ जो सिस्टम सर्विसेज हैं इन सब में जाकर के ये सारे जो ऑप्शंस हैं अगर आप यूज नहीं करते हैं तो ये सबको ऑफ कर दें। आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप ऑफ कर सकते हैं, जो जो मैं ऑफ किया हूं और एज योर रिक्वायरमेंट। दोस्तों नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, तो वो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। ऑफ करने के लिए दोस्तों जनरल में जाइएगा और यहां से बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश मिलेगा, इसको आप या तो वाईफाई यूज करते हैं पर रख लीजिए, नहीं तो पूर्णतः इसको ऑफ कर दीजिए। दोस्तों ये सारी सेटिंग अप्लाई करके मैंने बहुत हद तक अपने बैटरी ड्रेनिंग समस्या को समाधान कर दिया है, और इतने दिनों में आपका जो आईफोन है वो भी आपके ऐप्स को जो री इंस्टॉल हुए हैं नए अपडेट हुए हैं उसको समझने लगा है। तो ये कुछ सेटिंग करके आप इसको अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों अगली टिप्स की ओर चलते हैं, तो वो जो आपके ऐप स्टोर में जो ऑटो डाउनलोड ऐप्स रहते हैं उसको आपको सिंपली टर्न ऑफ कर देना है, इससे आपके जो बैटरी है उस पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। ये जो ऑटोमेटिक डाउनलोड्स है इसको आपको ऑफ कर देना है। और दोस्तों अगर अगली टिप्स की बात करते हैं, तो आप कम से कम एक दिन पर या दो दिन पर अपने आईपैड को या अपने आईफोन को रीस्टार्ट जरूर कर लें, नहीं तो आप अपने फोन को एक बार शट डाउन जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि आपके जो एप्स हैं वो हमेशा अपडेटेड रहेंगे और आपका जो बैटरी कंज्यूमिंग है वो बहुत हद तक कम जाएगा। तो रीस्टार्ट करने का सबसे अच्छा ये जो तरीका है, यहां से ये ऑप्शन है, ये मैं इस पर वीडियो बना दिया हूं, आपको आई बटन में मिल जाएगा कि आप एसेसिव टच बटन को कैसे इस्तेमाल करके ये इन सारे ऑप्शन को ला सकते हैं। दोस्तों अगली टिप्स की ओर चलते हैं, तो वो आपके सेटिंग ऐप में है, आपको मैसेज वाले में जाना है, और यहां से क्या करना है कि सबसे लास्ट में जाने के बाद लो क्वालिटी इमेज मोड होगा, इसको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आप हाई क्वालिटी में आप मैसेज के थ्रू अपने जो इमेजेस है उसको सेंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बैटरी ड्रेनिंग है वो कम होगी। दोस्तों अगली टिप्स के लिए आपको जाना होगा ऐप स्टोर पर फिर से एक बार, और यहां से जाने के बाद दोस्तों आप एक ऑप्शन यहां से देखिएगा, वीडियो ऑटो प्ले, ये जो है आप में ऑन होगा, इसको बाय डिफॉल्ट इसको ऑफ कर देना। इससे क्या होगा कि आपके ऐप स्टोर का जो वीडियो है, कुछ भी फालतू जो वीडियोस एड्स वगैरह होते हैं वो ऑटो नहीं चलेंगे, जिसके वजह से आपके बैटरी ड्रेनिंग कम जाएगी। दोस्तों अगली टिप्स के लिए सेटिंग में जाना है, उसके बाद ब्रॉडकास्ट ऐप में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑटोमेटिकली डाउनलोड। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां से जो ये 5 लेटेस्ट एपिसोड पर सो लिखा हुआ है, ये जितने भी ऑप्शंस है ये सबको ऑफ कर देना है, इससे आपकी बैटरी बहुत ज्यादा बचने वाली है। अगली टिप की ओर चलते हैं, ये जो वेदर ऐप है इसको आप अपने होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर आप रखते हैं तो ये भी आपके बैटरी बहुत कंज्यूम करती है, तो अगर ज्यादा काम नहीं है तो इसको यहां से आप रिमूव कर दीजिए ताकि आपकी बैटरी की बचत हो सके, इसको हटा दीजिए होम स्क्रीन से भी और लॉक स्क्रीन से भी। इसलिए और बहुत ही इजी टिप है कि हमेशा आप ऑलवेज डार्क मोड इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी हमेशा सेव रहेगी और बैटरी पर ज्यादा लोड नहीं होगा, तो आप डार्क मोड इस्तेमाल करें। चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए लाइट अभी कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। टिप की बात करते हैं, तो ऐप स्टोर में जाने के बाद आपको हमेशा अपने जो एप्स हैं उसको अप टू डेट रखने हैं, इससे क्या होगा कि बैटरी आपकी बहुत बचेगी। तो ये जो है प्रक्रिया हमेशा आप दोहराते रहें, डेली एक बार जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं, तो मेल ऐप में है, मेल ऐप में आपको जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहां से जो है एक जो ऐसा सेक्शन है उसमें हमेशा मेल को सर्च करते रहता है, तो उस चीज को आपको बंद करना है। तो अकाउंट्स में जाने के बाद आपको यहां से फेच न्यू डेटा रहता है, ये ऑन अगर आप में है तो इसको क्या करिए कि ऑफ करिए, और दूसरी बात ये जो है ऑटोमेटिकली पर से आप मैन्युअली कर दीजिए। और दोस्तों अगली टिप उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपने आईफोन में या आईपैड में
बीटा डेवलपर मोड इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने फिर से पुनः स्टेबल वर्जन पर आप वापस चले जाएं, जिससे आपकी बैटरी जो है बहुत बच सके। अगर आपके आईपैड में आईफोन में ज्यादा बैटरी कंज्यूम हो रही है और आप डेवलपर मोड यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके वजह से आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही है। दोस्तों नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं, तो आप हमेशा इसको लो पावर मोड है इसको आप ऑन करके रखें चार्जिंग, जैसा कि देख रहे हैं कि अब मेरे पास तुरंत चार्जिंग की सुविधा नहीं है या बैटरी ज्यादा ड्रेन कर रही है, हम तो पावर मोड को ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में जितने भी मेल्स वगैरह जो सेटिंग अभी किए वो ऑटो ऑफ हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं इस चैनल के, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर वीडियो को कर दीजिए, और साथ ही साथ एक कमेंट जरूर सा प्यारा सा कर दीजिए, आपको क्या दिक्कत है, आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग कमेंट्स किए हैं, जिसका अच्छा कमेंट्स है, जिनका एक क्वेश्चन है, उनको मैं डिस्प्ले कर दूंगा उनके नाम के साथ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट सेटिंग की ओर चलते हैं, तो वो आपको क्या करना है कि 6 महीना में एक बार आपको फैक्ट्री रिसेट आपको जरूर कर देना है, दूर हो जाए। आपके फोन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, वो सब दूर हो जाए। तो 6 महीना में कम से कम कोई भी फोन एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, तो फैक्ट्री डेटा रिसेट का जो ऑप्शन है उसको आपको क्लियर कर देना है और एक बार कर देना है, ताकि आपका फोन बिल्कुल नए की तरह चले। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी और आपकी बैटरी अगर सही में कम ड्रेन होने लगी है, कमेंट जरूर से एक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, बाय।